गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। अगर आप भी अपने ब्लॉटेड टमी को कम करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लॉटेड टमी हर किसी का हो जाता है, आप नॉर्मली जब हम रात को कुछ थोड़ा बहुत ऐसा वैसा खा लेते हैं तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो आपका टमी रात को स्क्वीज होता होगा, लेकिन एकदम से आपका ब्लॉट कर जाता है, मतलब बाहर आ जाता है ना, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप ये वाला वर्कआउट करेंगे तो इससे आपका नॉर्मल जो लोअर टमी है, अपर टमी है, वो तो टोन्ड होगा ही, और जो ब्लॉटिंग प्रॉब्लम हो गई है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप अभी प्रेग्नेंट हुए हैं, डिलीवरी हुई है, तो भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, राइट? अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो भी आप 6-7 मंथ बाद अगर आपका बॉडी अलाउ कर रहा है, आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी स्किन एकदम थुलथुली सी हो गई है, सैग कर गई है, ठीक है, वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी और टोन हो जाएगी, आपकी मसल्स टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। अगर आपको ये वाला एक्सरसाइज प्लीज पसंद आ रहा है तो जमकर इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो। यार मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, और जब आप ये मुझसे पूछते हैं ना कि कितने टाइम में कम होगा, वो टोटली आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इसकी रिपीटेशन ज्यादा करी, करेक्ट पोस्चर करा, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ उस वीडियो में कि 15 डेज में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डेफिनेटली कमेंट करें, मैं आपका Q&A रखूंगी, उसमें आपको आंसर्स देती रहूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने इस तरीके से लेग्स को वाइड कर लेना है, शोल्डर जितना, इस तरीके से आपने हैंड को जॉइन करना है साइड टू अदर साइड, ठीक है। आपका लोअर पोर्शन मूव नहीं होगा, अपर पोर्शन आपका मूव होगा, ठीक है। इतना आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है कि साइड में जो हमारे लव हैंडल्स हैं बिल्कुल बाहर आ रहा है हमारा फैट निकलकर, वो टायर स्क्वीज हो जाएं, आपको फील हो कि आप बिल्कुल टर्न हो रहे हैं और आपके इस एरिया पे लोड आ रहा है, ठीक है। तो चलिए 20 टाइम्स, और इसके हमें करने हैं 3 सेट, यानी 60 टाइम्स हमें इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। डन, यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से हैंड को सेट कर लेना है, और उसके बाद जस्ट ऐसे ऐसे आपको साइड टू साइड मूव करना है अपनी बॉडी को। जब आप मूव करेंगे तो जब आप अपनी लेग को अपसाइड लेकर आ रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करनी है। मे बी आपका पेट और आपका वेट ज़्यादा हो तो इतना ज़्यादा ऊपर ना कर पाएं, लेकिन अपना बेस्ट देना है, ठीक है ना। अपने साथ जितना आप ऑनेस्टी दिखाएंगे एक्सरसाइज में, उतनी ही ऑनेस्टी एक्सरसाइज भी आपको दिखाएगी, मतलब वो आपके फैट को कट करके आपके बॉडी को टोन करेगी। 20 टाइम्स हमें इसको करना है, और इसके करने हैं 3 सेट, यानी 60 टाइम्स इसको रिपीट करना है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ क्योंकि आप बार बार कमेंट में पूछते हैं सेट्स क्या होते हैं, रैप्स क्या होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। डन, तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और इसको भी अगर ऑनेस्टी से करोगे तो लिटरली बहुत ज़्यादा स्वेट होगा आपकी बॉडी में, आपको पता चल जाएगा कि, ठीक है ना, कितना ज़्यादा पसीने आते हैं वर्कआउट के टाइम पे अगर आप अच्छे से करते हो तो। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं जंपिंग स्क्वाट, ठीक है। आपको जंप करना है, स्क्वाट करना है, कैसे करना है वो भी देख लीजिए। पैरों को पहले अपना वाइड कर लीजिए आप, ठीक है, शोल्डर जितना। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप और वाइड कर सकते हैं। सेम जगह पे जंप स्क्वाट, जंप स्क्वाट, 20 टाइम्स 3 सेट्स। डन, तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आ रही आती है हमारी लास्ट एक्सरसाइज की, ठीक है। इसमें आपने अपने हैंड्स को बैक साइड पे लेके जाना है, फ्रंट आपने लेग अप करना है, टच टो टच, अगेन अदर साइड पे टो टच, 1 by 1, ठीक है। जब आप अपनी बॉडी को इस तरीके से लिफ्ट कर रहे हैं,
तो आपने पूरा स्ट्रेच करना है। जब आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, आपके जो बूब्स हैं यानी ब्रेस्ट है जो सैग कर गई है वो भी अपलिफ्ट हो जाएगी, आपका टमी भी एकदम से खिंचेगा, टोन रहेगा और पूरे फोर्स के साथ आपने आगे आना है, देन फिर बैक जाना है, फिर अदर साइड आना है, पूरा अपने बॉडी का स्ट्रेंथ और स्टेमिना लगा देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 टाइम्स करना है आपने ईच लेग, 20 टाइम्स लेफ्ट साइड, 20 टाइम्स ही आपने करना है राइट साइड और 3 सेट करने हैं यानी 60 टाइम्स राइट 60 टाइम्स लेफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है हिम्मत मत हारना। ओके डन, यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वाला वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ ऐसे ही कुछ नया देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जब भी मेरे चैनल पे कुछ नया आता तो आप उसको देख सकें। भर भर के कमेंट करें और प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दें, कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, डेफिनेटली आंसर दूंगी। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें, मेरा अकाउंट है आयशा मेहरा, फेसबुक पर मेरा पेज है हेल्थ टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।